हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉक्स ध्यान चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस नए वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ कौशल्या मंदिर, जो कि रायपुर से 27 किलोमीटर दूर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 27 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रखुरी में कौशल्या माता का मंदिर है। छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जननी माता कौशल्या का मंदिर पूरे भारत में एकमात्र मंदिर है। तो यहाँ से सबसे पहले आप यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हो। नज़ारा जो है बहुत ही अच्छा है। ये जो मंदिर है ये तालाबों के बीच में बना हुआ है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको गांव के जलसेन तालाब के बीचों बीच माता कौशल्या का मंदिर बना हुआ है, जिसमें श्री राम को माता की गोद में बैठी हुई मूर्तियां हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और क्या क्या है आपको मैं दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे मुख्य द्वार पे पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे साइड में जूता और चप्पल निकाल लेते हैं, उसके बाद हम अंदर चलते हैं। तो यहाँ से सामने का भी आप नज़ारा देख लो, यहाँ का भी नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो हम आ चुके हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ कुछ बना हुआ है जहाँ की माता का ज्योति होती हो गया, क्योंकि मैं जब गया हुआ था नवरात्रि के टाइम पे गया हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पे भी एक ज्योति कुंड है। तो ज्योति कक्ष में सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे ज्योति अभी जल रही है कि नहीं जल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ज्योति अभी जली नहीं है। मैंने पहले ही दिन बना लिया था, लेकिन मैं वीडियो देने में आप लोगों को लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आप अभी भी इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों अपने शेयर कर सकते हो अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। तो लेफ्ट ज्योति कक्ष निकलने के बाद हम लेफ्ट साइड में आए हैं। यहाँ पे आप सामने देख सकते हो विष्णु भगवान की एक बहुत ही। तो यहाँ पे तालाब के बीचों बीच में आप देख सकते हो विष्णु भगवान की बहुत ही प्यारी यहाँ पे मूर्ति है। तो आप इसे देखिए, फिर आगे हम चलते हैं। तो हम ये सब देखने के बाद अब आ गए हैं मुख्य द्वार पर, जहाँ पे मंदिर है। तो चलिए चलते हैं और यहाँ पे आपको माता का दर्शन कराते हैं और वो जो मूर्ति है वो भी आपको दिखाते हैं, जहाँ पे माता कौशल्या ने अपने गोद पे श्री राम जी को बैठाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मूर्ति है माता कौशल्या की है और उनके गोद में श्री राम जी बैठे हुए हैं। और यहाँ पे और मंदिर है जहाँ पे माता का आप दर्शन यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे आप पहले दर्शन कर लीजिए, उसके बाद अभी और है, और भी छोटी छोटी जो मूर्तियाँ हैं वो दिखाऊँगा और तालाब में क्या क्या है भी आपको और बताऊँगा। तो वीडियो में लास्ट एंड तक बने रहिए।
तो यहाँ पे शंकर जी की मूर्ति है और सामने में ही नंदी जी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे कोरोना चल रहा है, इस वजह से बंद था, आप यहाँ से ही इसे दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे नारियल बने हैं, श्रद्धालुओं की मनोकामना के लिए यहाँ पे शायद बांधे हुए हैं। तो चलिए और चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे एक छोटी सी और मूर्ति बनेगी, बैठी हुई आप पॉज करके देख सकते हो, वैद्य जी, वैद्यराज जी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस साइड में और भी एक मूर्ति थी, बहुत सारी मूर्ति है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे भी, ये देखिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम। दोस्तों दूर से आप देख सकते हो जो समुद्र मंथन हुआ था उसका भी यहाँ पे पानी के बीच में बनाया गया है। तो चलिए आपको पास से मैं दिखाता हूँ, समुद्र मंथन का जो सीन है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले आप तालाब को थोड़ा देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ पे आप देख सकते हो समुद्र मंथन। तो वीडियो के पहले जोत आपको नहीं दिखा पाया था, उसके बाद जब मैं रिटर्न आया तो यहाँ पे जोत जलना स्टार्ट हो गया था। तो पूरी तरह से नहीं जला था, जितना भी जला आपको मैं दिखा दिया हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके लिए और आएंगे आगे भी, अच्छे क्वालिटी में और अच्छी वीडियो। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। करता हूं दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई होगी तो, अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में हमें बताइए और कुछ टाइप की आपकी वीडियो चाहिए और ऐसे ही ब्लॉग आपके लिए आते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।